अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुशाहिद खान और आज है 6 जून 2021 और आज के दिन मेरे छोटे बेटे जो 1 साल का है अली सिकंदर, उसका बर्थडे है। तो बर्थडे तो सब बनाते हैं, सब खुशी मनाते हैं, अच्छी बातें बनानी चाहिए, लेकिन आज हम कुछ इस तरह से बना रहे हैं बर्थडे। आप देख सकते हैं मेरे पे तमाम वो लोग हैं जो गरीब हैं, जो रोड पर सोते हैं, जो रिक्शा चलाते हैं, जो ऑटो चलाते हैं और एक दिन की रोटी का पैसे बचाने के लिए पता नहीं कितनी मुशक्कत करते हैं। आज हम गाज़ियाबाद में हैं और ये जो जिम्मा है आज हम मिलके AB वेलफेयर सोसाइटी है जो एक लड़की चलाती है और बहुत दिलेर है, अरुणा त्यागी नाम है उनका, वो चलाती हैं। उनके साथ मिलके आज हम करीबन 300 से 400 जो लोग हैं उनको खाना देने की एक मुहिम चला रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं और आने वाले वक्त में भी इंशाल्लाह एक मुहिम चलाई जाएगी, रसोई चलाई जाएगी। तो तकरीबन हम शुरुआत करेंगे जल्द और सिर्फ 1 रुपया में हम उस रसोई का शुरुआत करेंगे। और ये काम आप भी कर सकते हैं, खुशी के मौके पर कभी भी आपके घर में खुशी हो, इस तरह की आप एक मुहिम चला सकते हैं, लोगों को खाना खिला सकते हैं। अच्छी बात है, बर्थडे भी बनाइए, केक भी काटिए, लेकिन उसके साथ साथ ऐसे लोगों का भी ख्याल रखिए जो मेहनत करते हैं और एक वक्त खाने की पैसा बचाने के लिए लाइन में लगकर खाना रहते हैं। ये सोसाइटी है AB वेलफेयर सोसाइटी और इनकी जो प्रेसिडेंट है मैं उनसे भी बात करूंगा और जो हमसे मदद होगी इंशाल्लाह हम वो मदद भी सोसाइटी की करेंगे। ये वो दिलेर लड़की है, अरुणा त्यागी नाम है इनका और इन्होंने एक मुहिम चलाई है कि मैं गाज़ियाबाद में या अपने आसपास में कोई भूखा नहीं सोने दूंगी। अरुणा, आप इस उम्र में तो लोग इन्जॉय करते हैं, घूमने जाते हैं, आपने मतलब क्या मुहिम चलाई है, किसको देख के आपने? भैया आपने बिल्कुल सही कहा कि इस उम्र में लोग घूमने जाते हैं, इन्जॉय करते हैं, लेकिन मैं जब 12th स्टैंडर्ड में थी मेरा तब से ये सपना था कि जब मैं और थोड़ी बड़ी हो जाऊंगी, 12th क्लियर कर लूंगी अपना जी। तब मैं ऐसे लोगों के लिए काम करूंगी जिनके लिए कोई नहीं काम करता है और आज वो सब चीज़ें हो पा रही हैं। इसका कहीं ना कहीं जो श्रेय है मेरी माँ को जाता है जिनकी वजह से आज इतने लोगों का खाना और इतनी चीज़ें जो बन पाई हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है भैया ये सब काम करने में और मैं सबसे बस यही कहना चाहती हूँ कि जहाँ भी अपने आसपास ऐसे लोग दिखें जिनको ज़रूरत है, मदद की ज़रूरत है और आप सक्षम हैं तो ज़रूर करिए। बिल्कुल, अभी जैसे कि मैंने आपसे पहले भी कहा कि आज मेरे बेटे का जन्मदिन है, पहला जन्मदिन है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ कंट्रीब्यूट करूँ आपके इस नए काम में और ये छोटी सी धनराशि है इसमें, प्लीज़ आप रख लीजिएगा। तो एक छोटी सी धनराशि मैं चाहता हूँ और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ में कि ये आपका काम कभी बंद ना हो। मैं बहुत टाइम से आपकी वीडियोस देखती हूँ, यूट्यूब पे देखती हूँ, आपका काम देखा है, तो जब से मैं आपको देखती आ रही हूँ मुझे जितना भी आज काम करने का मौका मिल रहा है वो कहीं ना कहीं आपको देख के मैं बहुत सीखी हूँ। तो मैं मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोगों की हेल्प करते हो तो फिर मन में आता है कि चलो हम भी निकलते हैं बाहर काम करते हैं, तो आपको देख के मुझे बहुत सीख। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया और ये बहुत बड़ा अमल है और आने वाले वक्त में एक दिन वो भी आएगा कि जब अरुणा को देख के लोग काम शुरू करेंगे और कहेंगे कि ये लड़की कितनी बहादुर है और निडर है, इस पेंडेमिक में अपनी परवाह न करते हुए खाना परोस रही है। तो आप भी आइए, आप भी इनकी मुहिम का हिस्सा बनिए। तो ये वो नौजवान बच्चे हैं कि जो इस मुहिम में अरुणा का साथ दे रहे हैं। आपका नाम क्या है बेटा? सर शिवम त्यागी। शिवम आपका? अंकित नेहरा। शिवा शुक्ला। शिवा शुक्ला। आपका नाम क्या गुड़िया? निधि त्यागी। निधि त्यागी। आपका नाम दादा? भूपिंदर। भूपिंदर जी, तो 4-5 लोगों की ये टोली है और इस टोली में जब खेलने की उम्र होती है, इंजॉय करने की उम्र होती है लॉकडाउन में, तो ये लोगों के घर में खाना पहुँचा रहे हैं, लोगों को खाना खिला रहे हैं, ये बहुत बड़ा काम है। आप तमाम लोगों में मुबारकबाद देना चाहूँगा, शुभकामनाएं मेरी आपके साथ में कि आपका ये काम कभी बंद ना हो और आप ऐसी तरक्की करें। और आप भी अगर इस काम में हिस्सा लेना चाहते हैं तो अपने आसपास देखिए, आपको ऐसे लोग ज़रूर मिलेंगे जो आपकी मदद के मुस्तहिक हैं। आगे आइए, शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।